हाय गाइज, हैप्पी होलिका दहन। तो आज है होलिका दहन एंड ये वीडियो आपको कल या फिर परसों मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारे यहाँ मतलब मेरे यहाँ होलिका दहन पे क्या क्या होती है, मम्मी क्या क्या बनाती है एंड हम लोग क्या क्या करते हैं। अभी तो मैं बनाने वाली हूँ नमकीन। कल मैंने गुजिया बनाया था, यू नो, रंग बिरंगी गुजिया, जिसका रेसिपी मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। चलिए अभी नमकीन बनाते हैं, उसकी रेसिपी देखते हैं। बहुत झटपट से बन जाएगी, मतलब 15 से 20 मिनट लगेगा आपको बनाने में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। एंड चलिए बनाते हैं नमकीन यानी कि नमक पारे। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, उसमें ऐड किया अजवाइन जो क्रश करके अजवाइन ऐड किया। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मंगरेला। तो मंगरेला आपको थोड़ा सा कम एंड अजवाइन थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। अब इसमें जाएगा नमक, तो सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले रही हूँ, जिससे जो हमारा नमकीन है वो काफ़ी खस्ता बनेगी, काफ़ी टेस्टी लगेगा खाने में। तो रिफाइंड ऑयल ऐड करने के बाद मैं सबको अच्छे से मिलाऊंगी, मतलब हम लोग को मसलना है 5-6 मिनट तक। आप इसको मतलब रिफाइंड ऑयल में इसको मसलते रहो। तो देखिए कैसे हमारे आटे की मतलब मैदे की मुट्ठी बनने लगी है। तो अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी मैं थोड़ा थोड़ा ही ऐड करूँगी, मतलब एक बार में आपको ज़्यादा पानी नहीं लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा ही पानी लेना है एंड एक सेमी सॉफ्ट आपको डो गूँथ लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैदा को मैंने गूँथ लिया है और ना ही इसको एकदम हार्ड रखा है और ना ही इसको एकदम मुलायम रखा है, मतलब सेमी सॉफ्ट आटा हमने गूँथ लेना है। उसके बाद इससे तुरंत ही हमने नमकीन बना लेना है, इसको रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो जितना मैंने मैदा लिया था करीब 200 ग्राम, तो उससे मैं 2 लोई बना रही हूँ, क्योंकि मैं किचन प्लेटफॉर्म पर ही बेलूँगी। तो जितना मतलब बड़ा बिला सके मैं बेल लूँगी एंड आप चाहो तो इसकी मतलब जो मोटाई है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, थोड़ा मोटा पतला आप रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे एकदम पतला ही बेल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ लोग पतला मतलब नमकीन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से बेल लिया है और अब मैं इसको चाकू से कट करूँगी। तो आप चाहो तो इसको स्क्वायर शेप में दे सकते हो या फिर आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर इसको डायमंड शेप में कट करूँगी। तो देखिए पहले मैं पतले पतले स्ट्रिप कट कर ले रही हूँ सीधा सीधा। तो मैंने अब पूरे नमकीन को कट कर लिया है। अब मैं चाकू के पिछले वाले हिस्से से इसको खुरच खुरच के निकाल ले रही हूँ एंड इसका शेप जब यह तेल में जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका शेप आ जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लो। एंड मैंने इसको मुट्ठे में ले लिया है एंड गर्म तेल में डाल दिया है। तो देखो अभी आपको चिपका हुआ लग रहा है, बट जैसे ही हम इसको हिलाएंगे यह सब ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा एंड इसका शेप एकदम बढ़िया मतलब आ जाएगा। देखो कितना अच्छा मतलब लग रहा है दिखने में। इसके बाद हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। नमकीन हमारा जब तक फ्राई हो रहा है हम दूसरे लोई को भी बेल लेंगे, मतलब जितना तक हो सके उतना बेल लेंगे, क्योंकि तब तक ये हम लोग बेलेंगे तब तक जो हमारा हमारी जो नमकीन है वो फ्राई हो चुकी होगी, तो हम उसको निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे, नहीं तो जितनी बाकी जो हमारी नमकीन कढ़ाई में बच जाएगी वो जल जाएगी, इसलिए हम एकदम लो रखेंगे एंड जल्दी जल्दी से सारे नमकीन को निकाल लेंगे। उसी तरीके से हम लोग दूसरे लोई को भी बेलकर कट कर लेंगे एंड अगर आप चाकू की नोक से निकालोगे तो यह जल्दी निकलेगी, ऐसा मतलब मुझे एक्सपीरियंस हुआ अभी करते करते। तो देखिए यहाँ पे जैसे कैसे फास्ट मतलब जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट निकल रही है। इसके बाद हम जितनी भी नमकीन है हम सब मतलब एक बार में मैं फ्राई कर दे रही हूँ, यह मतलब ज़्यादा नमकीन भी एक बार में फ्राई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने कितना सारा नमकीन इसमें डाल दिया है एंड सब आराम से मतलब सेपरेट हो गया हुआ है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसको हम लोग जब यह फ्राई हो जाएगा तब इसको हम लोग निकाल लेंगे एंड देखो हमारी जो नमकीन है वह एकदम रेडी है एंड इसको आप मतलब इसका मैं अभी आपको तोड़ के इसको दिखा रही हूँ कैसे आवाज़ करता है, कितना क्रंची है यह देखो,
सुना आपने कितना क्रंची है, खाने में बहुत 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 ज़्यादा ही टेस्टी है। नमकीन तो मैंने बना लिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था एंड अभी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा ही देर में बन जाता है, 20-25 मिनट में एकदम इजली बन जाएगा। और अभी मैं रियो के साथ मतलब यू नो टहल रही हूँ, चल रही हूँ। इसको ऐसा नहीं कि इसको चलना नहीं आता, मैं थोड़ा बहुत चल लेती है, बट फिर भी ना इसको चाहिए कि कोई हाथ से पकड़ के चलाते रहे। रियो चलो, तब इसको हम टहला रहे हैं एंड मम्मी अभी पकड़ा वकड़ा बना रही है, तो चलिए देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये बड़ी बन रहा है, तो सबसे पहले 5 बड़ी मतलब जो होता है वो पूजा के लिए, होलिका की पूजा होगी तो उसके लिए निकलेगा। तो यह दूसरे कढ़ाई में मतलब जैसे पूजा के लिए हम लोग अलग से बनाते हैं, पूरा गैस वैस अच्छे से साफ करके, वैसे मतलब मेरे यहाँ ऐसे हम लोग के यहाँ ऐसे ही बनाया जाता है। जब 5 बड़ी जो निकल जाएगा फिर यह मतलब खाने के लिए बन रहा है, हम लोग के खाने के लिए। बड़ी बनने के बाद बनेगा आलू चप, जो मेरा बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है। बड़ी बन रहा है, हम लोग अभी थोड़ा बहुत बड़ी खाएंगे रात में, इसी बड़ी का जो है कढ़ी बड़ी बन जाएगा। और यहाँ पे मेरा बन रहा है मतलब मेरे लिए, हम सबके लिए बन रहा है टेस्टी टेस्टी आलू चप, मुझे बहुत ज़्यादा यह पसंद है। एंड ये पकौड़ा वगैरह भी बनेगा, जो है बैंगन का, परवल का, केला का, गोभी का, आलू का, सबका पकौड़ा बनेगा। रियो को देखिए पूरा कोल्ड ड्रिंक्स रख के कैसे खेल रही है। कौन सा चाहिए आपको इसमें से बेटा? चलो एक मामा को दो, तो मामा को दो, वही वाला मामा को वही वाला अच्छा लगता है, लाओ दे दो रियो। ये क्या हो रहा है? सो गाइज यू नो इवनिंग हो गया है एंड आप लोगों ने गाना का आवाज़ सुना होगा एंड आई थिंक अभी भी आ रहा होगा, पापा लोग नीचे गाना वाना गा रहे हो। वो लोग हर साल ऐसे करते हैं, मतलब सारे मोहल्ले के जितने जेंट्स लोग होते हैं, मतलब पापा लोग के दोस्त लोग, अंकल लोग, तो सब लोग आकर खूब ढोलक वोलक बजाते हैं और खूब गाना गाते, एकदम पूरा मस्ती करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं उनके सामने जाकर वीडियो नहीं शूट कर सकती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है यार, शर्म आता है। मेरा भाई रहता है तो कर भी देता, एंड भाई नहीं आया इस साल होली में, वो इलाहाबाद में मतलब पढ़ाई कर रहा है तो आया नहीं है। तो पकड़ा कड़ा बन गया है, मैं इंजॉय कर रही हूँ। आप लोग बताओ आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है? रात को कड़ी वड़ी बनेगा तो मैं दिखाऊंगी क्या बन रहा है। सुबह जब भी रात हो गया तो रात के खाने बनाए ना कढ़ी चावल, मतलब कढ़ी बड़ी चावल एंड वही पकौड़ा वगैरह है, तो वही मैं खा रही हूँ। आप लोग के यहाँ क्या बनता है वैसे होली में? रियो को भी खाना खाना है, नहीं लग रहा बेटा, मतलब आपका पिचका रही। सॉरी गाइज, लास्ट में मैं बाय बोलना आप लोगों को भूल गई थी। तो गाइज यह था मेरा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर देना अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।